बैसाखी का त्यौहार जो है ये सिखों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस त्यौहार है, क्योंकि इस दिन हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक अलग पहचान दी और उन्हें जात पात से उठ के बाहर एक साथ रहने के लिए कहा। क्योंकि जब उन्होंने पांच प्यारों को बुलाया और उनसे ये अमृत का पान हुआ, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब, कोई किसी ज़ात छोटी बड़ी से ताल्लुक नहीं रखता है, इंसान एक हैं और एक जैसे मिलके रहना चाहिए। इसी तरह से हमारे गुरुद्वारों में आप ये देखिए कि आज भी जो लंगर हमारा गुरुद्वारे में होता है, कभी आप जाइए वहाँ पर, तो आपको पास में बैठा हुआ अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है, इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है। तो गुरु साहब ने ये एक बात हमारा खालसा पंथ की जो साजना की आज के दिन, उसमें खास बात यही रही कि साहब, आपकी पहचान जो है वो लाखों में हो। क्योंकि आपको ये देखा गया कि उन्होंने हमें पांच चीज़ें, जैसे पांच के की बात की, केस की बात की, उन्होंने केस रखने की बात की, उन्होंने कंघा रखने की बात की, उन्हें कड़ा पहनने की बात की, कचहरे की बात की, इस तरह से उन्होंने पांच चीज़ों की जो बात की, कृपाण जो है उसकी साथ रखने को कहा, तो वही पहचान है एक खालसा की। तो उस पहचान से ये पूरी दुनिया में एक यूनिक टाइप की कम्युनिटी का जो एक दर्जा उन्होंने इनको दिया, पर कहा कि इसको फॉलो करो, पर भाईचारा और बाकी चीज़ों की ओर जोर दिया, छोटे बड़े जात पात से अलग रहने के लिए कहा। तो ये सब चीज़ें जो गुरु जी की हैं, ये आज की नौजवान पीढ़ी को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो सरकार के बीच में इस वक्त जो आज रिलीजन में इंटरफेरेंस हो रही है, काफ़ी जगहों पर देखा जा रहा है कुछ ऐसा कि रिलीजन के रिकॉर्ड को ऊपर नीचे किया जा रहा है, हिस्ट्री को डाइल्यूट किया जा रहा है, मैं उन ताकतों से कहूँगा कि ऐसे किसी भी रिलीजन में इस तरह की इंटरफेरेंस जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ना उनको ऐसा करना चाहिए। अभी आज देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी को जो कि 26 आयतों की होली मुकद्दस किताब से उनको मतलब छेड़ना चाहता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दे दी, उन्होंने 50,000 की सज़ा दी। मुझे तो लगा कि उस आदमी को जिंदा दफन कर देना चाहिए था, जो कि रिलीजियस की ऐसी बनी हुई चीज़ों से, मुकद्दस चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करे। उसी तरह से सिख रिलीजन के हिस्ट्री के रिकॉर्ड को भी छेड़छाड़ी करने की कोशिश की जा रही है, सिख रिलीजन को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। तो वैसे ही ताकतें इस मुल्क में या कहीं भी हों, उनको नहीं चाहिए इसमें इंटरफेयर करना। रिलीजन जो है वो आपसी प्यार बढ़ाता है और ये एक दूसरे से मिल मिलाप रखने की और एक डिसिप्लिन बनाने की एक बहुत बड़ी एक ये इसमें जो है वो देन होती है किसी भी रिलीजन में, उसको कायम रखना चाहिए देश में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आप सब जानते हैं कि आज हम खालसा साजना दिवस मना रहे हैं। आज हम खालसा पंथ की साजना जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1699 में आनंदपुर साहब की धरती पे करके पांच प्यारों को अमृत छका के एक न्यारे पंथ की स्थापना की थी, उसी संदर्भ में आज हम खालसे के प्रकाश पुरु के खालसे के जन्म की 321वां जन्मदिन यहाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही साहब में बड़ी श्रद्धा है और उल्लास के साथ मना रहे हैं।